हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको यूपी के यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है कि यूपी में जल्दी एक नई रेलवे लाइन का सर्वे होने जा रहा है। आइए देख लेते हैं क्या पूरी खबर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ें। फिर मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में आज मैं आपको यूपी के यात्रियों को बड़ी अपडेट है, तो यूपी से जुड़ी बड़ी अपडेट रहेगी। आइए देख लेते हैं क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा एक नोटिस था, ऑफिशियल था। मैं आपको बता देता हूँ, 7 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें बताया गया था सेक्शन ऑफ प्राइमरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे, यानी सर्वे किया गया था। सर्वे करने की बात की गई इसमें नैमिष सराय से लेकर के फरुखाबाद तक वाया हरदोई न्यू ब्रॉडगेज लाइन, तो नई रेलवे लाइन बिछाने की बात की गई है नैमिष सराय से। ये नैमिष सराय पड़ता है आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, और फरुखाबाद तक वाया हरदोई होते हुए 112 किलोमीटर की दूरी की बात की गई है। और इसके लिए यहाँ पे फंड भी जारी कर दिया गया था सर्वे कराने के लिए। आप देख सकते हैं 56 लाख रुपये जारी कर दिए गए, तो 112 किलोमीटर की दूरी है। और आइए देख लेते हैं क्या हो सकता है इसका जो रूट रहेगा संभावित। आइए मैं आपको मैप के सारे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो नई लाइन है किस रूट से निकल सकती। देखिए ये रहा आपका फरुखाबाद, और यहाँ पर आपका नैमिसारण जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो लाइन रहेगी आपकी फरुखाबाद से हरदोई होते हुए, और ये लाइन सीधे नैमिष सराय को लिंक करेगी। यानी इस रूट से फरुखाबाद से आप सीधे सीतापुर ये की रेलवे लाइन जुड़ जाएगी, साथ ही फरुखाबाद से सीधे हरदोई होते हुए ये जो लाइन है आपकी ये लखनऊ को आती है वाया संडीला बालामऊ के रास्ते। तो ये नई रेलवे लाइन का सर्वे किया जा रहा है इस रूट से। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि फरुखाबाद से ये एक नई रेलवे लाइन का सर्वे होने जा रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है इसका सर्वे कम्प्लीट होगा तो जल्द ही यहाँ पर नई रेलवे लाइन का बिछाने का कार्य भी पूरा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है आपकी फरुखाबाद से हरदोई होते हुए नैमिष सराय को लिंक करे, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नैमिष सराय, जो कि एक धार्मिक स्थल है, और सीधे इसको यहाँ से लिंक किया जाएगा फरुखाबाद से। हो सकता है फरुखाबाद से हरदोई के लिए भी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, और फरुखाबाद से हरदोई होते हुए बालामऊ, इसके बाद ये ट्रेन आपकी बालामऊ संडीला होते हुए लखनऊ को आती है। तो फरुखाबाद से कानपुर होते हुए लखनऊ, और साथ ही फरुखाबाद से हरदोई के रास्ते मैं आपको बता देता हूँ, हरदोई होते हुए ये रूट आपका लखनऊ को भी लिंक कर सकता है। यानी कि ये ट्रेन सीधे आपकी फरुखाबाद से आने वाले समय हम देखेंगे हरदोई होते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और क्योंकि ये ट्रेन जो आपका इस प्रोजेक्ट का जो काम है, मेन काम ये है कि इसको हरदोई होते हुए नैमी साइड से लिंक करना, जो कि पड़ता है आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपडेट है आपकी यूपी से जुड़ी कि यूपी में फरुखाबाद से लेकर के नैमी साइड तक का एक नई रेलवे लाइन का सर्वे किया जा रहा है। और ये जो रूट है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है आपकी कन्नौज होती है कानपुर अनवरगंज को लिंक करती है। ये रहा आपका कन्नौज, और यहाँ पड़ता है आपका कमालगंज गुरसरायगंज। तो ये रेलवे लाइन लिंक करेगी, नई लाइन लेगी जो कि फरुखाबाद से हरदोई होते हुए नैमिष सराय को लिंक करेगी। काफ़ी अच्छी अपडेट है यहाँ के यात्रियों के लिए कि यहाँ पर जल्दी एक नई रेलवे लाइन का आप देखेंगे हो जाएगा सर्वे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई गई बात आपको समझ में आ गई होगी कि नैमिष सराय से लेकर के फरुखाबाद तक वाया हरदोई होते हुए नई ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे किया जाएगा। 112 किलोमीटर की लगभग दूरी है ये पूरी, और 56 लाख रुपये इसके जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल नोटिस था, 7 जनवरी को जारी किया गया था। तो ये यूपी के यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो बताया। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आई तो मैं आपको जरूर अपडेट करके बताऊंगा। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से लाइक करें, शेयर करें। टीम संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस डे।